Uh, I would like to ask you about spiritual topic as it's bothering me. Mm -hmm, mm -hmm. I would like to know your views on these YouTubers telling accidental spiritual awakening, Kundali awakening, or how we can just awaken or activate them by yoga or meditation. However, moreover, I'm sorry. People share their experiences and symptoms also. As a psychology student, we could have things basically clear symptoms of anxiety or psychosis. It would be helpful for me or others. इफ यू कैन एक्सप्लेन अबाउट अवेकनिंग और देर इज एनी साइकोलॉजिकलिकल इशू बिहाइंड दिस पीपल एक्सपीरियसिंग दिस और इट रियली हैपन्स ओके पहली चीज यहाँ पे मैं बहुत क्लरिफाई करना चाहता हूँ और ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो भी सुन रहे हैं वो सब कर रहे हैं मैं आपको एक हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ अगर आपको इन सब चीज़ों का रियल श्रोत चाहिए असलीम एजुकेशन चाहिए आप रियल में रियलिटी में इंटरेस्टेड हो भाई ठीक है कि ये पथ होता क्या है अगर हम बात करें पथ पे चलने के वो कुंडली अवेकनिंग हो चाहे ट्रांसडेंटल या तुम्हारा तांत्रिक जो भी मेडिटेशन वाली पथ होगा जो शेविज्म के अंदर आ गया भाई साहब तुम राइट सोर्सेस पकड़ो ना यार कितना आलसी इंसान क्यों है मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें सोर्सेस के नाम पे द पीपल दैट यू आर योर का बेस ऑन इज यूट्यूबर जिसने छह साल या पांच साल का उसका तुम्हारे को पूरा अवेलेबल है डेटा कि ये कर क्या रहे थे क्या ये छह साल से कहीं बैठ के उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ गिव अप करके एक्चुअली में पूरी उन्होंने प्रार्थना करी है उस चीज में मास्टरी हासिल करी है मेरी बात समझो तुम जब पेट में दर्द हो रहा होता है और एक्चुअली में इतना दर्द होने लग जाता है लगता है लगता कुछ घबराहट हो रही है तुम क्या यूट्यूबर को मैसेज करते हो या फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करते हो अपॉइंटमेंट से क्यों बुक करते हो डॉक्टर से क्योंकि उसने पढ़ाई करिए सात साल या आठ साल दी है उसके बाद हो सकता है दस साल या पांच साल का एक्सपीरियंस है तो तुम्हें लगता है स्टेटिस्टिकली दिमाग से तुम एवरेज ड्रॉ कर रहे हो कि प्रोबेबिलिस्टिकली इस इंसान के पास ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा अनुमान लगाने का कि भाई जो मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसके सिम्टम से पकड़ पाएगा मुझे बेटर सोल्यूशन दे पाएगा तो तुम्हें ये देखना है ना कि भाई छे साल दस साल से पहले इंसान जो कर रहा था तो उसके बेसिस पे काइंड ऑफ बेस कर रहे रहे हो हो तो एक डॉक्टर पास क्यों जा क्योंकि वो उसने डिग्री लिया है पता है भाई वो दस साल से प्रैक्टिस कर रहा है इस चीज की देर फोर वो ज्यादा अच्छा हो लगा पाएगा एक यूट्यूबर जो तुम्हें दिख रहा है उसने पिछले पिछले पांच साल से दस साल से अध्यात्म के ज्ञान में ट्रांसडेंटल उसके जो पथ हैं ये सारे पथ पहले तो इतने भारी मुश्किल पथ हैं ये कि इंसान ऐसे भोंक देता है ऐसे उड़ेल देता है ऐसे घर पे जाके बिरयानी बनाना भी मुश्किल होता है इन्होंने तुम्हारे वो बनाई है क्या नाम है खिचड़ी बनाना हो गया तुम यार ऐसे इंसान से बात करो जिसने पथ को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे ये पथ खिचड़ी हो यार तुम थोड़ा सा पहले एनाटमी अन, देखो फिर यूट्यूबर एनाटमी क्या यूट्यूबर क्या उसके खोलते हैं इसके अंजर पंजर। एक यूट्यूबर है ना जनरली मीन यूट्यूबर आई डोंट मीन एजुकेटर ऑन यूट्यूबर

जो उनकी एक्सपर्टीज है एज एन आउटकम उनको सब्सक्राइबर यूट्यूबर की भी नीड है, है लेकिन एक YouTuber होता है जो कहता है मुझे व्यूज किस चीज पे मिलेंगे अब समझ दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है तुम तो एक ऐसे इंसान की बात करो जिन लोगों की जिनमें है कि भाई वो बैठते हैं दिन में वो कहते हैं हमारे को महीने का अपना एक कोटा पूरा करना है वीडियो का तो बताओ सबसे ज्यादा वायरल टॉपिक्स क्या चल रहे हैं सबसे ज्यादा चीजें क्या चल रही है गूगल I सर्चिस mean, की हिस्ट्री देखते हैं के हिसाब से देखते हैं उनका पूरा होता होता है, वो बिजनेस की स्टार्ट होता है वो तरह चार्ट करना चो दुनिया में चल के रहा है जिस पे व्यूज आएं, किस तरह के लोगों को बुला सकते हैं पे व्यूज आएं, किस तरह के टॉपिक है आज, तो आज, आज हवा वहां बहरी तो हम वहां बह जा रहे हैं ये है यूट्यूबर की औकात एक इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर की औकात भी यही है वो कहीं भी लेगा तुम अगर उसके पांच साल का पुराना कंटेंट उठाओगे तो और तुम उसमें हिसाब से अगर तुम कोई भी इंसान अगर डेटा साइंस करता है डेटा एनालिस्ट है उससे कहा जाए तुम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भाई कंपाउंड करो कि भाई क्या है इसका पांच साल का आधार से मिला मिलू कि इसकी फिलोसफी है क्या तुम अगर इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनाओ तो मिलेगी ही नहीं कुछ नहीं मिल तो मिलेगा कि भाई जहां हवा होती वहां बह जाता है वो है कि व्यूज सबसे ज्यादा किस पे आएंगे वो नंबर्स हमारे सबसे ज्यादा किस पे पड़ेंगे उनका पूरा प्लान जो है वो ये है उनका माइंड ये है उनका माइंड ये, ये नहीं है कि मेरी ये पर्टिकुलर ए बी सी फिलोसफी है इसको मैं कितनी बुरी तरह से या कितनी बढ़िया तरह से स्प्रेड कर सकता हूं अवेयरनेस कर सकता हूं और कितने तरीकों से मुझे ये करना है उनका और व्यूज सेकेंडरी चीज हो जाती है वो एक बाय प्रोडक्ट है आए ना आए उसे भाड़ में जाए लेकिन मेरी जो चीज है यानी कि एंड्रू बर्मिन के लिए जो न्यूरो साइंस की नॉलेज है अवेयरनेस फैलाना वो उनके लिए प्राइमरी है अब वो उनको रिवॉर्ड दे रही है ना भी देती तो भी वो करते रहते ये समझ लो फर्क इसका ऑपोजिट मिलेगा तुम्हें एक यूट्यूबर में अब आए यूट्यूबर, यूट्यूबर के एक्शन देखो भाई यूट्यूबर के एक्शन क्या होते हैं वो जो फिलोसो कह रहा है वो उसकी भी तुम्हें कर्म दूसरे वीडियो में उसके ऑपोजिट दिखेंगे आई थिंक तुम्हारे को आज के यूट्यूब के हिसाब से और वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से भी सबसे ज्यादा मिसअंडस्ट और सबसे ज्यादा कैपिटलाइज जो टॉपिक है वो स्पिरिचुअलिटी और माइंडफुलनेस है स्ट्रेस रिलीफ मिलता है एग्जाइटी में रिलीफ मिलता है डिप्रेशन में रिलीफ मिलता है सब पे बहुत रिसर्चेस हुई है एक्चुअल में मिलता है ठीक है चलो ये बेनिफिट्स के हिसाब से हम करेंगे तो बेनिफिट्स के हिसाब से कर लें एटलीस्ट अच्छा एक रैशनल लीनियर का हो गया गोल ओरिएंटेड टेलियोलॉजिकल अप्रोच भाई ये चीज मिल रही है इसलिए मैं करूंगा फंडा क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं इधर आ जाओ भाई इधर हो गया कि भाई हम स्पिरिचुअलिटी को किस तरह से रैप करके मैं अपने आप को या तो सेल कर सकता हूं एज समथिंग मोर देन आई एम या फिर भाई मैं इसको जो इसका इतनी बड़ी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन वो कैसे कैपिटलाइज कर सकता हूं ये हो गया अब एक पथ है इट्स अ वे ऑफ लाइफ थिंकिंग है वो इंसान जो एक्चुअल पथ पे 30 चल चुका है वो बोलेगा अलग तरह से मेरी बात समझना उसकी वाणी उसकी तरह की थॉट थिंकिंग प्रोसेस में दिखेगा कि ये उस पथ पे चल रहा है उसका रंग बदल चुका होगा सोचने का तुम्हें तो उसकी सोच सुन के लगेगा इसका रंग थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाला है क्योंकि वो उस पथ पे चल रहा है तो उसके वर्ल्ड व्यू जो है दुनिया को देखने का जो नजरिया हो चुका है वो, वो इस पर्टिकुलर बेस फिलोसफी के हिसाब से वो बेस कर रहा है यूट्यूबर की लाइफ कोई किसी एंगल से तुम्हें स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी ट्रांसडेंटलिंग अवेकनिंग ये अवेकनिंग एनलाइटमेंट इन सब से तुम्हें क्या वन परसेंट दिख रहा है कर रही कॉम्प्लीमेंट कर रही है पागल पागल हो गए इंसान को गरीब होना चाहिए या फिर पैसे को रिनाउंस कर देना चाहिए अरे मैं अक्षरों से रंग से स्वभाव से बात कर रहा हूं तुम्हें दिख नहीं रहा कि अभी भी छूत लेवल पे जितनी तरह से इगोइस्टिक जिंदगी होती है कि मेरे को नंबर गेम खेलना है बिजनेस करना है पैसा कमाना है जितनी सांसारिक दुनिया तुम सोच सकते हो सीमा तोड़ लेवल पे वो वही जिंदगी जी रहे हैं कपड़ों की उसकी शक्ल की उस सभी की तो बात कर रहे हैं लेकिन हाँ कभी कभी फॉर नेम्स एक बुक को डीप बात कर जाएंगे बट उनके एक्शन में तुम्हें कभी नहीं दिखेगा अबे पथ पे चलने वाले के एक्शन देखो ना अलग होते हैं तुमको कहीं से समझाएं मैं तुमसे यहाँ पे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ जिसको एक्चुअल में सब चीजों का ज्ञान करना प्राप्ति करना पहले बताऊँ यूट्यूब बंद कर दो यूट्यूब वाकई बंद कर दो कदम पूरी तरह से बंद कर दो लोग कहते हैं पॉडकास्ट तो बहुत सीखने मिलता है अरे सब बंद कर दो हमने पॉडकास्ट नहीं सुना तुमसे ज्यादा जानता हूँ भाई मैं हर चीज के बारे में कैसे जान गया अब अंदर क्यूरियासिटी होनी चाहिए बाकी गूगल तुम्हारा उससे बड़ा कुछ नहीं है तुम घुसो तो किसी चीज में एक चीज में घुसो की उंगलियां फैलती चली जाती हैं चार सौ पता चलते चले जाते हैं अबे तुम जाओ तो विवेकानंद को पढ़ना शुरू करो भाई देखो कि बेस्ट बुक्स क्या हैं स्पिरिचुअलिटी में अबे खरीदो उनको जिन्होंने अच्छे अच्छे किताबें लिखी उनमें से जो क्या तुम्हें सही लग रहा है ले लो जो खराब लग रहा है उनको फिल्टर आउट करते जाओ फिल्टर आउट करते जाओ असल में एक चेष्टा लाओ अपने अंदर एक असल में जेनुअन क्यूरियासिटी लाओ ना सीखने की लर्न करने की मार यूट्यूब पर इतना भयंकर लेवल पर शॉर्टकट पाने की हमारे अंदर क्यों है क्या आग है ऐसा क्या वो है कि हम यार ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ में सिंसियरली जा पाएं अंदर सिंसियरली यार कोई योगी हो या कुछ भी हो आप सिंसियरली जाते हैं हैं दे, हैं हैं यार डेप्थ डेप्थ में में जाते हैं, इसके के बीच में बैठते हैं, देखते हैं इनका मेथोडोलॉजी क्या है क्या सिखा रहे हैं ये पथ क्या है भौकने को तो कुछ भी भौंक दे इंसान की पथ ये होता है स्पिरिचुअलिटी होती है अब चलना सिखाया चलना तुम अगर जब सुने हो तो ऐसा था कि तुमका वंडरलैंड बजरा जॉन मेयर का या फिर तुम एक्चुअल में देख पा रहे हो ए बी सी डी का वर्णन हुआ है यहां पे मैं अभी ए पे हूं मुझे बी पे जाना है और तुम मेरे को समझ पा रहे हो कि क्या पे जाना है जो इंसान कर रहा है ना उसको जब सुनोगे तो तुम बी पे जा पाओगे वरना तुम्हें हलवा पूड़ी मिलेगी खाओ तुम्हें जितनी खानी है तुम रहोगे ए पे दस क्या बीस क्या मरते दम तक ए पे रहोगे लेकिन वो तुम्हें खिलाएगा बहुत बढ़िया और पतंग उड़ाएगा तुम्हारे साथ बैठ के आदमी इतना ख्याली सुखता है इतना सुनता है उससे भी पूछ लो मैं लगभग पेन लो पेंसिल लो ब्रेक डाउन करके माइंड में बना के दिखाओ भाई यहां से लेके मुझे मुक्ति अगर एनलाइटमेंट पे जाना है चल भाई पेन ले दे पाएगा कोई भी इंसान जिसको समझ में आता है जो पद पे चल रहा है वो बना देगा पूरा पॉइंट टू तो पॉइंट बढ़िया तरीके से बता देगा भाई ये कॉम्प्लिकेशन है ये कॉन्ट्रोडिक्शन है इन कॉन्ट्रोडिक्शन को तुम्हें फिलोसॉफिकली एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस पद पे बहुत टाइम लगेगा ये पत बहुत कॉम्प्लेक्स है डाटा डा बट तुम बे ब्रेकडाउन रैशनल वे में हंड्रेड कर सकते हो समझ में आना चाहिए ना जिसको समझ में आएगा वो कर देगा ब्रेकडाउन जिसको नहीं आएगा वो हलवा पूड़ी और तुम हलवा पूड़ी खाओ और यही हो रहा है तुम बैठ के कहां यूट्यूबर साले उस उस इंसान से करो जो भो, बिल्कुल भोग रहा है बुरी तरह से ईगो में मरा पड़ा है भाई वो अप्रूवल के गेम में वो एक्सटर्नल दुनिया में डूबा हुआ है भाई उससे तुम्हें छुटकारा मेरे को मैसेज आते हैं लोग के भैया आपके व्यूज नहीं बढ़ रहा है अब क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता ना इस चीजों से वरना तो हम भाई बैठे पर जा हो रहे होते दिन भर गोटिया पकड़ के हो रहा है भैया क्या हो रहा है क्या फालतू चुदाप है सब जिसको देखना है देखेगा जिसको नहीं देखना नहीं देखेगा जिसको मदद होनी होगी नहीं होगी नहीं होगी हो, हो भाई इसको नहीं करनी मदद उसकी मदद कोई नहीं कर सकता अगर ये इंटरेस्ट है और मैं अपनी उम्र में इस वक्त तैंतीस साल के आऊंगा मेरी ये अगर लिटरलीस दिस इज द पाथ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ माई लाइफ को थप्पड़ मारना चाहिए अट्ठाईस साल के लौंडे को मेरे मुंह पर टाइम ट्रेवल करके कि साले शर्म आनी चाहिए तुमको अट्ठाईस साल वाला भी नहीं था क्योंकि तो तैंतीस वाला कहां से हो जाएगा भाई इन सब पद से निकलो मैं तुम्हें इसलिए खुद भी कभी एडवाइस नहीं देने वाला मैं जितना समझा सकता हूं मैं तुम्हें समझा पाऊंगा मैं तुम्हें बल्कि समझाऊंगा बहुत डिफरेंट तरीके से इसलिए मैं कभी कभी इन वीडियोज को बनाता भी हूं स्पिरिचुअलिटी के अध्यात्म के वीडियो हो गए भक्ति के वीडियो हो गए क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ही मैं जिस तरह से समझाऊं मैं तुम्हें समझा पाऊंगा मैं बहुत अलग चीजों को कंबाइन करता हूं चीजों को समझाने के लिए हो सकता है मैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी उठा लूं हो सकता है मैं कंप्लीटली डिफोमिलइेशन का इस्तेमाल करूं तो वो मेरा अलग हो गया मुझे इसलिए मजा आता है आपको समझाने का लेकिन मैं ये कभी क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं बैठ के तुम्हें यू नो लाइक मैंने अनलॉक कर लिया है कुंडली हाथ जोड़ो भाई हाथ जोड़ो यह पथ मैं तुम्हें एक बहुत छोटे मैजिक बता बताता हूं अगर ये बात समझ पाओगे तो इस पथ पे चल पाओगे दिस इज द पाथ ऑफ अलोननेस दिस इज द पाथ ऑफ अलोननेस पहले अपने साथ इसका पहला स्टेप है चाहे कोई भी तुम्हारी मेडिटेशन हो तांत्रिक हो चाहे नॉन वर्बल हो आंख बंद करके ध्यान वाली भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहला पथ है अपने साथ शांतिपूर्वक बैठना सीखो तो अपने अंदर की जितनी गिरगिटि पाना है तुम्हारे दिमाग में जितना भी चल रहा है चीजें जो कि तुम्हें रोकती हैं अपने आप से जितनी घृणा है तुम्हें पहले उनको परास्त करना पड़ेगा इसलिए मैं कहता हूं पहले इंट्रोस्पेक्शन से स्टार्ट करो क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट करो यानी कि थोड़ी अपनी थिंकिंग पावर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पावर इन सबको बढ़ावा करो उनको थोड़ा सशक्त बनाओ स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो तुम्हारे दिमाग की नेगेटिविटी को तमाचे जड़ पाए जब नेगेटिविटी को तमाचे जड़ पाए तो दिमाग में क्या हुआ पहली बार है कोई फालतू की इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही तुम अब बैठ सकते हो अपने साथ फिर तुम्हें बैठ के सांस लेना सीखना है और फिर तुम्हारे सांस लेते लेते तुम्हारा दिमाग अपने आप सोचना शुरू होगा तुम्हारा पथ शुरू हुआ है लेकिन बहुत अलोननेस का पथ है लोनलीनेस का पथ नहीं है अलोननेस का पथ है क्योंकि अलोननेस में भी तुम लोनली नहीं होगे तुम तुम्हारे साथ हो इसको समझो पहले यहां तक पहुंच जाओ साइकोलॉजी बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है अगर क्रिटिकल थिंकिंग ऑनिटिव साइकोलॉजी में भी हो गया सोशल साइकोलॉजी में आता है तुम अगर पढ़ रही हो तुम्हें मिलेंगे सारे चैप्टर्स उनमें जनरल साइकोलॉजी में, में मिलेगा ढंग से घुस जाओ इन चैप्टर में चिट मारो जितनी जितनी रिसर्चेस लिंक्ड हैं उस चैप्टर्स में जितनी भी रिसर्चेज आ रही हैं उनकी रिसर्चेस जाओ रिसर्चर्स की हो सकता है और रिसर्च रिसर्च या फिर उन के अंदर ही बैठ के देखो उन को पढ़ो बैठ के सारी स्टडीज पढ़ो क्या क्या कह रही हैं अपने दिमाग के बारे में पढ़ो कॉन्नेटिटिव साइकोलॉजी में देखो कहाँ क्या मोटिवेशन मोटिवेशन जो चैप्टर है जनरल साइकोलॉजी का होगा कॉलेट साइकोलॉजी में होगा चाटो सोशल साइकोलॉजी की पूरी किताब चाटो ब्रेन कैसे वर्क करता है थोड़ी बहुत कॉमेटिव साइकोलॉजी में ही थोड़ी बहुत न्यूरो न्यूरो साइंस में भी चाटो ले लो अबे तुम अपने दिमाग को तो जानो पहले बुद्धि को तो जानो बुद्धि को तो जानो फिर थोड़ा मास्टर कर पाओगे ना उसको फिर थोड़ा एडजस्ट कर पाओगे ना जानो ताकत है नॉलेज बहुत स्ट्रांग चीज है और जितनी इंसानी कुछ जानने वाली नॉलेज है अरे अध्यात्म का पथ इंसान से इंसान को मुक्ति पाना है तो इंसान को अगर जो जान लिया उसका पथ थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना चलो इस पथ पे बकलोली पे मत चलो लेकिन तुमको जो बकचोदी सिखा रहा है उससे दूर रहो और तुमको बहुत लेवल में बकलोली सिखाई जा रही है इस पर कोई वो नहीं है यूट्यूबर से मैं मैं आपसे मैं बता रहा हूं कोई मेरी कोई घृणा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं यह आपको बहुत भयंकर घंघोर ज्ञान तो नहीं मिलने वाला वो आपको यूट्यूबर से नहीं मिलेगा वो आपको उस इंसान से मिलेगा जो पथ पर चल रहा है किसी तरह के लेकिन वो यूट्यूब पर प्रचार कर रहा है ब्रॉडकास्ट कर रहा है भाई असली गुरु से सीख लो भाई अगर सीखना ही है तो कहां तो से इसका देखो ना, बहुत है। जा कहा तुम भी यूट्यूबर से कुछ दिमाग बंद करके इसका मैंने बहुत कंटेंट देख लिया ऑन एवरेज मेरे को अपनी बुद्धि से जानना है ये जा कहा रहा है मुझे इससे नहीं पूछना है क्योंकि तो झूठा आंसर ही देगा वो तो ऐसा ही आंसर देगा तो बहुत ही नोबल पथ में चल रहा हूं ना भाई तुम अपने दिमाग से लगाओ कि

कहीं और ही है वो चैनल जब कंटेंट देखोगे एक हफ्ते का या दो हफ्ते का कंटेंट के चॉइसेस देख लेना तो मैं दिख जाएगा चच्चा कहां दिमाग है कहां दिल है उस तो इंसान का दिख जाएगा किस सर्विस में डिवोटेड है इंसान वो दिख जाएगा अब उसके कर्म देख लो बस शब्द पे मत जाओ एक्शन स्पीक लाउड दे कर्म देखो मिल जाएगा आंसर तुम्हारा नमस्कार भाई